कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज यूज की कर रहे हैं अभी, और टेस्ट सीरीज में आप हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा इश्यू फील हो रहा होगा। वो जस्ट अभी हमने कल एक अपडेट डाला है। आरडीएसओ ने अभी एक 12 तारीख को एग्जाम लिया था हुगली डिवीजन का, तो उसका डिवीजन में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमने एक अपडेट डाला है। उस अपडेट में वॉच टेबल, अल्फाबेट टेबल, न्यूमेरिक टेबल, इन सब में हमने कुछ चेंजेस किए हैं पैटर्न के अंदर, जो कि आरडीएसओ के रियल एग्जाम में उन्होंने भी उसको अपडेट किया है। तो मैं थोड़ा दिखा दूं आपको क्या चेंजेस हुआ है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग वॉच टेबल ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर, मैं इसमें से वॉच टेबल को ले लेता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा हो सकता है फील हो रहा हो कुछ। तो ये वॉच टेबल का एक टेस्ट हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने पर देखते हैं क्या हो रहा है आपको। कुछ लोगों को ही है ये इश्यू, तो उन लोगों के इश्यू को रिजोल्व करने के लिए मैं बता दूंगा कि कैसे इसको करना है। हम जिस इसको स्टार्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए स्किप करते हैं टेस्ट को। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे भाई दोस्तों कि यहाँ एक स्क्रॉल बार पहले से लगा हुआ था, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अभी हमने एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपके जो ऑप्शन थे यहाँ पर, जो आपके ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे थे नीचे, वो ऑप्शंस अभी आप लोगों के राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। वो ऑप्शंस आपके इस साइड में आ गए हैं। तो इससे क्या है कि आपका थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगने वाला है यहाँ पर एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इश्यू आपका रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कुछ लोगों में हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो। क्या दिखाई नहीं दे रहा होगा उस लोगों के अंदर? यहाँ नीचे का जो स्क्रॉल बार है, ये दिखाई ना दे रहा हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आप जस्ट अपने ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लीन कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कैसे क्लीन करनी है, और क्लीन कर लेंगे तो आपका ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लीन करने के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ टेस्ट को। और आप यहाँ राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रही होंगी आपको ब्राउजर के ऊपर, इस पर क्लिक करिएगा, जैसे मैंने क्लिक करी है। क्लिक करने पर हिस्ट्री पे क्लिक करिएगा। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे देखिए डिलीट ब्राउजिंग डेटा के नाम से आपको शो कर रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं भी इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या खुलेगा, आपके पास पूरा ब्राउजिंग डेटा यहाँ खुल जाएगा, ऑल टाइम, अलग अलग टाइम वाइज। अगर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है सारा का सारा, तो आप सारे को ही इसको यहाँ से ऑल टाइम सेलेक्ट करके और डिलीट मार दीजिएगा। वैसे आप इसको सारे को डिलीट करेंगे तभी ये आपका हो भी पाएगा सही से। आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा डिलीट डेटा, और ये आपका डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। डेटा रिमूव होने के बाद में आपकी इसकी ब्राउजर की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, साथ में आपका जो डेटा यहाँ पर स्टोर था हमारी साइट से रिलेटेड, वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपको टेस्ट देने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ प्रॉपर वॉच टेबल के टेस्ट के क्वेश्चंस के ऑप्शन प्रॉपर दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिए ये डेटा आपका रिमूव हो गया है। अब इससे आपके सिस्टम पे सिर्फ इतना इफेक्ट पड़ेगा कि आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री में डेटा था वो चला गया। अब दूसरी चीज क्या देखनी है, क्रोम पे क्लिक करना है और चेक करना है कि आपका ब्राउजर अपडेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारा ये अप टू डेटेड शो कर रहा है। अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो इसको भी अपडेट कर लीजिएगा, तो जिससे आपके ब्राउजर में अगर कोई चीजें हमारे सर्वर से रिलेटेड या वैसी अदर कोई चीजें जो इफेक्टिव नहीं है, वो सब यहाँ से हट जाए, मतलब अपडेटेड हो जाएंगी, और आपका टेस्ट चलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, समझ गए। इसके बाद भी अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमारी टेक्निकल टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके आपको पूरा प्रॉपर हेल्प किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं टेस्ट चला के फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे टेस्ट आपके आ गए हैं वापस से, जैसे मेरे भी आ गए थे, बीच में हमने क्लिक किया तो वो डेटा क्लीन होने की वजह से चले गए थे। आप जस्ट किसी भी टेस्ट पे क्लिक करिएगा वापस से, तो आपके इसमें जो हिस्ट्री में क्लीन डेटा था वो क्लीन हो चुका है, और आपका टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी आप प्रॉपर टेस्ट दे पाएंगे। ये किसी किसी के लिए इशू है, सभी के लिए इशू नहीं है। जिनका ब्राउजर की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा भरी हुई है, या जिनके ब्राउजर के अंदर डेटा अपडेटेड पुराना पड़ा हुआ है, अभी लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है उसके अंदर, उनको इश्यू है। आपको हमेशा यहाँ राइट साइड में जाके ही आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। एग्जाम में भी ऐसा ही दिखाई दिया, इसी वजह से हमने अपडेट किया इसको। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।